मार्च का महीना खत्म होने को है, लेकिन उससे पहले होली का त्योहार है जो कि 25 मार्च को मनाई जाने वाली है, जो कि कल है। इसको लेकर लोगों ने तैयारी भी लगभग पूरी कर ली है, लेकिन होली के दिन जब कुछ और भी इस दिन पड़ता है तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होली का त्योहार मनाया जाता है। ज्योतिषों की माने तो इस बार होली बहुत ही अनोखी होने जा रही है, क्योंकि होली के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिसका प्रभाव पूरी तरह से होली पर पड़ेगा। बता दें कि साल 2024 का ये पहला चंद्र ग्रहण है जो होली के दिन लगेगा। पहले आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण दरअसल होता क्या है। ये एक खगोलीय घटना तब होती है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। इस दौरान पृथ्वी का प्रतिबिंब चंद्रमा पर पड़ता है, उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। जैसे कि इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च को लगने वाला है, जो कि कल लगेगा। चंद्र ग्रहण 25 मार्च 2024 को सुबह 10:40 से शुरू होगा और उसी दिन दोपहर करीब 3:01 पर समाप्त होगा। इसके साथ ही चंद्र ग्रहण कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ और लाभकारी रहेगा। हालांकि इस दौरान कुछ राशियों को सावधानी बरतने की भी जरूरत है, लेकिन इसका असर सभी लोगों पर पड़ेगा। ऐसे में इस दौरान ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि लोगों को पता चल सके कि चंद्र ग्रहण के वक्त क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि इस दौरान कई बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें। जब भी पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है तो व्यक्तियों को कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। जब भी चंद्र ग्रहण लगे उससे 9 घंटे पहले उसका सूतक काल लग जाता है। सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य, भगवान का पूजन आदि नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन बनाना और खाने से परहेज करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान किसी भी देवी देवता की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। साथ ही ग्रहण के दौरान किसी धारदार वस्तु जैसे चाकू, सुई आदि का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को विशेषकर चंद्र ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान आपको संयम रखकर भगवान के मंत्रों का जप करना चाहिए। चंद्र ग्रहण जैसे ही समाप्त हो जाए उसके बाद सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अशुभ प्रभावों में कमी मिलेगी। इतना ही नहीं, इसके साथ आपको ये भी बता दें कि चंद्र ग्रहण नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, बेल्जियम, इटली, जर्मन, फ्रांस, अमेरिका, अफ्रीका, प्रशांत अटलांटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिका में दिखाई देगा, लेकिन भारत में चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा, इसलिए चंद्र ग्रहण का असर भारत में नहीं पड़ेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।